खोकर पानी का मज़ा ही कुछ और है, खोकर पानी का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। मुश्किलों से भाग जाना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। उड़ने के लिए बना हूँ उड़कर दिखाऊंगा, उड़ने के लिए बना हूँ उड़कर दिखाऊंगा, कोई लाख काटे पर, कोई लाख काटे पर फिर भी उड़ता चला जाऊंगा, फिर भी उड़ता चला जाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपना परिवार मस्त क्लासेस में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियोस में मैं आप सबको सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर्स से रूबरू कराऊंगा, जो आपके आगामी एग्ज़ाम में आने की संभावना है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देंगे, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारी हौसला को बढ़ाती है। आप सब कैसे हैं कमेंट में जवाब लिख के बताइए कि आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब की तैयारी कैसी चल रही है, किस सब्जेक्ट में आप सब पीछे हैं, किस सबसे सब्जेक्ट से आपको डर लग रहा है वो बताएं, उसका सलूशन कुछ बताया जाएगा आप सबको। ये वीडियो मैंने खासकर उन स्टूडेंटों के लिए तैयार किया है जिनको सामाजिक विज्ञान से डर लगता है, कि सामाजिक विज्ञान में बड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं, उसे कैसे याद किया जाए, तो उसी के लिए स्पेशल ये वीडियो है। आपको सामाजिक विज्ञान को कैसे एग्ज़ाम में लिखना है कि एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे, ये टॉपरों का लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स, हाथ से लिखा हुआ नोट्स, देख ले आज कैसे लिखा जाता है एग्ज़ाम में। आप भी इसी तरह से लिखेंगे तो आपके भी फुल मार्क्स सामाजिक विज्ञान में मिलेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी। और आपको सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन से दो फायदे होने वाले हैं। पहला फ़ायदा यह है कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद होगा तो अगर वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है 2 मार्क्स का तो आपको 2 नंबर्स मिल जाएंगे, 5 नंबर का आता है तो 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर इसी सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव भी छिपा रहता है, अगर वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको ऑब्जेक्टिव भी पकड़ा जाएंगे, है ना। इसीलिए आप सब सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को एक कहानी टाइप के फिगर बना के पढ़िए। फिगर किसी भी चीज़ का आप बना के पढ़ते हैं ना, अगर एक बार दिमाग में अटक जाता है ना, वो फिगर कभी उतरता नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप सब रटे नहीं, क्योंकि रटंत विद्या कारगर नहीं होती है। समझना है हमें किसी चीज़ को कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान को भी हम समझकर पढ़ सकते हैं, रट्टा मारकर नहीं होता है कुछ दोस्त, कुछ समय तक याद रहेगा लेकिन फिर ये जहन से उतर जाता है। तो आइए मैं आप सबके लिए जो क्वेश्चंस सिलेक्ट करके लाया हूँ वही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ईयर्स के क्वेश्चंस को मैंने देखा तब जाके ये वीडियो तैयार किया हूँ जो आपके लिए स्पेशल है ना।
तो आइए देखिए, मैं पहला जो क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ ना, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन होते हैं ना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों के रिपीट करते हैं और ये आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। आप सब इसका नोट्स भी बना लें वीडियो को पॉज करके, जो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। अब आप लिखते हैं तो लिखने से ही आपके जहन में ये बैठ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने जो पहला क्वेश्चन लिखा है वो है कि चावल की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करना है। चावल की फसल के उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें, कौन कौन से मौसम कैसे कैसे होता है इसके बारे में बताना है। तो आप सब इसका आंसर कैसे देंगे मैं बता रहा हूँ। देखिए, धान ऊंचे तापमान यानी कि उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, उर्वर मिट्टी एवं 125 cm से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है, यानी कि धान की खेती के लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है ना, जो बिहार में उपलब्ध है। बिहार जो है ना राज्य, उसमें ये मौसम उपयुक्त है। बिहार में धान की फसल खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। परीक्षा में आपसे पूछता है आपके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा कि इनमें से कौन खरीफ फसल है। अगर आपको धान नज़र आ जाएगा ना तो आप धान पे टिक लगा देंगे, क्योंकि धान जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है। जलवायु की विभिन्नता के कारण है ना, जलवायु में जैसे ठंड हो गया, जाड़ा जिसको कहते हैं, गर्मी, बरसात, इसी को कहते हैं जलवायु में विभिन्नता। क्लाइमेट में डिफरेंट, कभी ठंडा, कभी बारिश, तो कभी गर्मी। तो जलवायु विभिन्नता के कारण बिहार में ग्रीष्मकालीन, शरदकालीन यानी कि गर्मी के मौसम में भी, ठंडे के मौसम में भी धान की फसलें उगाई जाती है। बिहार में टू टाइप्स के धान उगाए जाते हैं, एक ग्रीष्मकालीन होता है और एक शरदकालीन, जिसे क्रमशः हम सब अगहनी, गर्मा एवं भदई फसल कहते हैं ना। ये जो मौसम में चेंज कर करके जो धान उगाई जाती है, उस धान को हम कोई कोई अगहनी धान कहता है, कोई गर्मा धान कहता है, तो कोई भदई फसल कहता है। तो समझ में आ गया कि चावल की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएँ क्या है, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। आइए अगला क्वेश्चन से रूबरू कराता हूँ। देखिए अगला जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें मैंने लिखा है कि उद्योगों के स्थानीयकरण के तीन मुख्य कारकों का उल्लेख करना है। उद्योगों का जो स्थानीयकरण हो रहा है उसके तीन मुख्य कारक को लिखना है। तो आप सब कैसे लिखेंगे मैं बता रहा हूँ। देखें, उद्योगों के स्थानीयकरण के तीन मुख्य कारक निम्न है। पहला है, अगर स्थानीयकरण करना है तो उसके लिए पहला है कि कच्चे माल की प्राप्ति। अगर कच्चा माल ही नहीं मिलेगा तो उद्योग चलेगा कैसे, जिस भी चीज़ का वो उद्योग हो उसके लिए चलाने के लिए सबसे पहला है कि कच्चा माल की प्राप्ति। दूसरा मानवीय कारक, जिसमें योग्य एवं कुशल मजदूर होते हैं, यानी उद्योग को चलाने के लिए मानवीय कारक जरूरी है, जिसे हम मजदूर कहते हैं। उसको चलाने के लायक अगर मजदूर मिल जाए उसी को कुशल मजदूर कहते हैं। अगर कुशल मजदूर ही नहीं रहेगा तो कोई भी उद्योग धंधा अच्छे से नहीं चल पाएगा। इसलिए पहला तो कच्चे माल की प्राप्ति होना चाहिए और दूसरा मानवीय कारक, और तीसरा है बृहत बाजार। बाजार की भी बड़ा बाजार होना चाहिए, क्योंकि उद्योग धंधे से जो माल तैयार होगा उसे आयात करने के लिए, बेचने के लिए, निर्यात करने के लिए बाजार की आवश्यकता होती है। अगर बाजार ही नहीं रहेगा तो फिर वो उद्योग धंधा नहीं चल पाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि उद्योगों के स्थानीयकरण के तीन मुख्य कारक कच्चे माल की प्राप्ति, मानवीय कारक यानी कि योग्य कुशल मजदूर होना चाहिए, और उसके मालों को सप्लाई करने के लिए बृहत बाजार होना चाहिए, ठीक है ना। आइए मैं आप सबको अगले क्वेश्चन से रूबरू कराता हूँ। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय रेल परिवहन की मुख्य विशेषताएँ क्या है। भारतीय जो रेल परिवहन है उसकी मुख्य विशेषताएँ क्या है, आइए मैं आप सबको बताता हूँ इसका जवाब कैसे लिखना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। तो आप इसका जवाब इस तरह से लिखेंगे कि भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, ठीक है। प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, दैनिक यात्रियों के, जो डेली यात्री करते हैं, कि आवागमन के लिए विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन, जो डेली बहुत सारे होते हैं सरकारी ऑफिसर जिनको एक स्थान से दूसरे जगह जाना है तो उनको रेल का सफ़र करना होता है, तो उन यात्रियों के लिए, या कोई व्यापार करता है उनके भी लिए, जिस उन कोई भी ऐसा यात्री जो डेली
आवागमन करता है एक जगह से दूसरे जगह, उनके लिए एक विशेष रेलगाड़ी का परिचालन करना चाहिए ना। पहला है परिचालन, परिवहन की प्रमुख विशेषता। दूसरा है कि मेट्रो रेल सेवा के तहत कोलकाता दिल्ली एवं बेंगलुरु में भूमिगत रेल सेवा। कोलकाता दिल्ली या बेंगलोर जो है उसमें ना मेट्रो रेल चलता है जो कि जमीन के अंदर, तो एक नई विशेषताएँ हैं भारतीय रेल की। तीसरा है भारतीय रेल की कि इंजनों में रक्षा कवच की व्यवस्था। ये भारतीय रेल की तीसरी व्यवस्था है कि इंजन जो होते हैं रेल के उसमें रक्षा कवच है, ठीक है ना। चौथा है भारतीय रेल की विशेषता कि रेल संपत्ति एवं यात्रियों की सुरक्षा के लिए GRP एवं RPF की व्यवस्था की गई है ना। GRP ऑफिसर होते हैं जो संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा के लिए फोर्स है ना, रेलवे पुलिस फोर्स RPF की व्यवस्था की गई है। ये भारतीय रेल की एक मुख्य विशेषता है। और पांचवा है कि रेलगाड़ी बीमा योजना की सुविधाएं आदि, रेलगाड़ी के लिए बीमा योजना भी चलता है। ये सब जो पांचों पॉइंट्स है ना भारतीय रेल की विशेषताओं का उल्लेख करता है। आप इस तरह से लिख देंगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने जो लास्ट क्वेश्चन लिखा है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा परीक्षा में कि राजनीतिक दलों की दो प्रमुख चुनौतियों को संक्षेप में लिखना है। राजनीतिक जो दल है उनकी दो प्रमुख चुनौतियों को संक्षेप में लिखना है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। तो आप कैसे लिखेंगे आइए मैं बता रहा हूँ। देखिए राजनीतिक दलों की दो प्रमुख चुनौतियाँ निम्न है। पहला है गुटबंदी। पहला क्या है? गुटबंदी। तो आप ऐसे लिखेंगे कि दलों में प्राय संकीर्ण स्वार्थ साधने के लिए गुटबंदियाँ होती है ना। गुटबंदी क्या है? दलों में प्राय संकीर्ण स्वार्थ यानी अपने स्वार्थ साधने के लिए गुटबंदियाँ होती है। नहीं होते कभी ये पार्टी में कोई लोग चला जाता है, वो पार्टी को प्रलोभन देकर उसके विधायकों को, उसके MP को यानी सांसद को अपने में बुला लेता है। इसी को कहते हैं गुटबंदी करना, जो अच्छे लोकतंत्र के लिए चुनौती है ना। इसके कारण लोकतंत्र जो है धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। आप देख सकते हैं आज के ज़माने में ऐसा हो रहा है, कोई किसी भी पार्टी के दल के नेताओं को, विधायक हो गए या MP यानी कि सांसद हो गए, उनको प्रलोभन देकर, रुपया पैसा के लालच देकर, मंत्री पद का लालच देकर अपने में लोग को बुला लेते हैं। तो ये जो है एक स्वतंत्र और एक अच्छा लोकतंत्र के लिए चुनौती हो गया है। और दूसरा कारण है अवसरवादिता। और अवसरवादिता क्या है उसके बारे में समझिए कि राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए झूठ, अनैतिक आचरण आदि का सहारा लेते हैं, जो कि एक बड़ी चुनौती है ना। इसी को अवसरवादिता कहते हैं, यानी कि झूठ बोलना, किसी के धर्म का अपमान करना है ना, लंबे लंबे वादे करना कि मैं चुनाव जीतूंगा, मेरी सरकार बनेगी तो मैं ये करूंगा वे करूंगा, इसी को झूठे वादे कहते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद सारे काम वही के वही रह जाते हैं, इसको ही अवसरवादिता कहते हैं। तो ये अवसरवादिता जो है ना ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ना। ये आप देखे होंगे कि हर एक राजनीतिक पार्टियां जो भी है वो लोगों को प्रलोभन देखती है, झूठ बोलती है, मैंने ये किया वो किया, मैंने अपने काम में बहुत सारे विकास किया, ऐसे किया लेकिन कुछ नहीं, फिर प्रलोभन भी देती है कि मैं अगर सरकार में आता हूँ तो इतना नौकरी दूंगा, ये करूँगा, बेरोजगारी दूर कर दूँगा, लोगों के लिए इतना पैसे दूंगा, उनके खाते में इतने पैसे जाएंगे, ये जाएंगे वे जाएंगे, जो के लिए राजनीति के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये आप समझ गए होंगे कि राजनीतिक दलों की दो प्रमुख चुनौतियां संक्षेप में लिखे के दो प्रमुख कारण क्या है। तो एक पहला कारण गुटबंदी है और दूसरा है अवसरवादिता यानी झूठ बोलना। तो मैंने इस वीडियो में जो आपको सामाजिक विज्ञान के 4 इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन से रूबरू कराया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर देंगे, और जो नए स्टूडेंट्स हैं पहली बार हमारे चैनल्स मस्त क्लासेस पे आए हैं और अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के कोई भी वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। जो नए हैं जिनको टाइमिंग नहीं है मालूम, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मस्त क्लासेस पे 2 टाइम लाइव क्लास चलता है। एक पहला है 7:30 बजे जिसमें आपके मैथ, साइंस और सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रूबरू कराया जाता है, और रात के 9 बजे आपको साइंस, मैथ और सोशल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन से रूबरू कराया जाता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है दोनों टाइम में आए और अपने बचे हुए समय में तैयारियों को मुकम्मल करें, ठीक है दोस्त।
तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के मजेदार वीडियो के साथ मैं फिर आप सबसे रूबरू होऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं सद्दाम हुसैन आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सब इसी तरह से लगन के साथ, परिश्रम कठिन, ईमानदारी के साथ मेहनत करें, सफलता तो आपको जरूर ही मिलेगी। थैंक्स फॉर एवरी स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।